एक शख्स ने बाजार में देखा कि एक शख्स अपना गुलाम बेच रहा है और ये आवाज भी लगा रहा है कि ये बहुत अच्छा गुलाम है, इसके अंदर इसके अलावा कोई और ऐब नहीं है कि ये कभी कभी चुगली खाता है। किसी शख्स ने यह आवाज सुनी, उसने सोचा कि इसमें तो कोई ऐब नहीं है और चुगली खाना तो आम सी बात है, इसमें क्या खराबी है, उस गुलाम को खरीद लेना चाहिए। चुनाचे उसने सौदा करके वो गुलाम खरीद लिया और अपने घर ले आया। कुछ अरसे तक तो वो गुलाम ठीक ठाक काम करता रहा, इसके बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। चूंकि चुगलखोरी के अंदर वो माहिर था, इसलिए उसने चुगलखोरी के अंदर अपना कर्तव्य दिखलाया और सबसे पहले वो अपनी मालिका के पास गया और उससे जाकर कहा कि आपके शौहर जो मेरे आका हैं वो किसी और औरत से ताल्लुक रखते हैं और उसके पास आते जाते हैं और अनकरीब वो आपको छोड़कर उससे शादी कर लेंगे और मैं आपकी खैरखाही के लिए बता रहा हूं, किसी और को मत बताना। ये बातें सुनकर वो बीवी बहुत घबराई और परेशान हुई। फिर खुद गुलाम ही ने उसकी परेशानी का इलाज बताया कि मुझे तरकीब आती है, तुम उस पर अमल कर लो। वो ये कि जब तुम्हारे शौहर सो जाए तो तुम उस तरह से उनकी दाढ़ी के एक दो बाल काट कर अपने पास रख लेना, फिर देखना क्या होता है, फिर वो हमेशा तुम्हारे होकर रहेंगे, कभी दूसरी औरत की तरफ नजर नहीं उठाएंगे। औरत ने जवाब दिया कि ये क्या मुश्किल काम है, ये तो मैं आज ही कर लूंगी, खुदा ना खास्ता कल को कुछ और हो गया तो क्या होगा। अब वो गुलाम आका के पास आया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी के दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात हैं और अनकरीब वो आपको खैरबाद कहने वाली है और उसने ये तहैया कर लिया है कि वो आज रात आपको उस तरह से ज़िबाह करेगी। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो आप झूठ मूठ सोकर देखना और गला ना कट जाए तो मुझे बताना। चुनाचे वो आका जाकर झूठ मूठ सो गया और उधर बीवी इस इंतजार में थी कि कब उनकी आंख लगे तो मैं अपना काम करूं। मियां को नींद कहां आती, इसलिए उसने मस्नूई खर्राटे लेना शुरू कर दिए। अब तो बीवी को यकीन हो गया कि मियां साहब को नींद आ गई, फौरन उस्तरा लेकर पहुंची और अभी हल्का सा उस्तरा गले पर रखा ही था कि आका ने फौरन आंख खोल दी और बीवी को पकड़कर कहा, अच्छा तो तुम मुझे ज़िबाह करना चाह रही थी। गुस्सा तो पहले ही आ रहा था, उस आका ने उसी उस तरह से बीवी को ज़िबाह कर दिया। जब बीवी के खानदान वालों को पता चला कि शौहर ने हमारी बेटी को ज़िबाह कर दिया है, उन्होंने आकर उसी उस तरह से शौहर को पकड़कर ज़िबाह कर दिया। अब शौहर के खानदान वाले भी आ गए और दोनों खानदानों में खूब झगड़ा हुआ और बीसियों लाशें गिर गई। तो मोहतरम सामईन, आपने देखा कि उस गुलाम ने जरा सी चुगली से किस तरह से दोनों खानदानों को तबाह कर दिया। इसीलिए इस चुगली को शरीयत ने हराम करार दिया है।